सांसों में जहरीली हवा जाती रहे लेकिन पटाखे जलाएंगे। जिंदगी कुछ छोटी हो जाए लेकिन पटाखे जलाएंगे। बच्चों से लेकर बूढ़े खांसते रहें लेकिन पटाखे जलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बैन लगाता रहे लेकिन हम तो पटाखे जलाएंगे। दिल्ली NCR में दिवाली की रात पटाखे जलते रहे, फूटते रहे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां भी उड़ती रहीं। कुछ लोग अड़े रहे कि पटाखे तो जलाएंगे, त्योहार इसी तरह से मनाएंगे, दम घुट जाए लेकिन अपनी मर्जी की करने से बाज नहीं आएंगे। इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मूर्खता, बेशर्मी या अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेना। दीपावली के ठीक पहले जब धुंध ने दिल्ली और NCR के इलाकों को घेर लिया था तो स्कूल बंद कर दिए गए थे। तब बारिश हुई और प्रदूषण से काफी राहत मिली, लेकिन अब पटाखों ने AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक पहुंचा दिया है, जो बारिश के बाद 200 से 250 के बीच पहुंच गया था। बहुत सारे लोगों ने दीपावली में पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने कुदरत, सरकार और कोर्ट के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। जैसा दिल्ली सरकार ने कहा था कि फायर क्रैकर्स नहीं करने, लेकिन उस हिसाब से फायर क्रैकर्स बहुत ज्यादा जलाए गए हैं। दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी मेरे को बहुत देखने को मिला ये, तो मैं परेशान होकर रात को सो नहीं पाया, फिर सुबह साइकिलिंग करने निकल गया। कुछ दिन से तो था लेकिन आज ज्यादा है, कुछ दिन से ऐसा था लेकिन इतना नहीं था, आज कुछ ज्यादा ही है। होना तो चाहिए था कि लोगों से पटाखे ना जलाने की अपील की जाए, लेकिन BJP नेता कपिल मिश्रा ने आग में पानी डालने की बजाय आग में घी डालने का काम किया। दिल्ली BJP के उपाध्यक्ष ने दिवाली के दिन रात 9:50 पर एक ट्वीट किया, आप पर गर्व है दिल्ली, ये प्रतिरोध की आवाजें हैं, आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। लोग बहादुरी से अवैज्ञानिक, अतार्किक, तानाशाही भरे बैन का विरोध कर रहे हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, IIT की रिपोर्ट देखिए, पॉल्यूशन के जिम्मेदार क्या है, और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसको, उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, और आप ये बच्चों के पटाखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ रहे, आप विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे, आप तथ्यों का सहारा नहीं ले रहे, आप केवल एक धर्म विशेष के त्योहारों से लड़ना चाहते हैं। गोपाल राय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिवाली के दिन दिल्ली NCR में पटाखे जलाने के लिए BJP को जिम्मेदार ठहरा दिया। तीनों राज्यों में क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले, और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे, और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी, दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। दिल्ली NCR में दिवाली के दिन पिछले 8 सालों में सबसे कम प्रदूषण दर्ज किया गया था। 12 नवंबर को शाम 4 बजे AQI 218 था, बीते 3 हफ्ते में सबसे कम। ऐसा सरकार या हमारी किसी कोशिश की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि बारिश के चलते हुआ था। लेकिन दीपावली की अगली सुबह दिल्ली NCR के कई इलाकों में AQI 900 के पार पहुंच गया। पूसा में AQI 970 रिकॉर्ड किया गया, जबकि आनंद विहार का AQI 849 तक पहुंच गया था। हवा को कुदरत ने कुछ साफ कर दिया था, लेकिन AQI 218 से 900 के आसपास हमने और आपने पहुंचा दिया, यानी वो लोग जिन्होंने पटाखे जलाए, जो बच्चों के नाम पर छूट की वकालत करते रहे, जो इसी तरह त्योहार मनाने पर अड़े रहे, वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली में पटाखे ना आ पाए, बेचे ना जाए, खरीदे ना जाए। हमने क्या कबाड़ा किया ये जानने के लिए पिछले कुछ दिवाली के AQI देख लीजिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 2023 में दिवाली के दिन AQI 218 रहा, 2022 में AQI 312 था, 2021 में AQI 382 था, और 2020 में दिवाली के दिन AQI 414 था, 2019 में दिवाली के दिन AQI 337 था, 2018 में AQI 281 हो गया, 2017 में 319 और 2016 में दिवाली के दिन AQI 431 था।
गाड़ियों के धुएं पराली जलाने को कोसते रहे, लेकिन जो हमारे हाथ में था वो भी हमने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि पटाखों की खरीद बिक्री पर रोक सुनिश्चित की जाए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में रात भर पटाखे जले। जिन्होंने पटाखे आने दिए, जलाने दिए, सब कसूरवार हैं। लेकिन भुगतना सबको पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों को भी। सियासत खराब है, हवा खराब है, लेकिन हम में से जिन्होंने भी दिल्ली NCR में पटाखे फोड़े उनका जहन भी दुरुस्त नहीं है। यह खबर लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं उपासना, देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।